सो फ्रेंड्स, आज अपन इस वीडियो में आप जैसे वैसे भी देख पा रहे हो कि आज अपन बात करेंगे ह्यूमन रेस्पायरेटरी सिस्टम की बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब सबसे पहले क्या होती है ह्यूमन रेस्पायरेटरी सिस्टम में, सो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है वो किसका होता है, नोज का होता है। तो ये जो नोज का छिद्र होता है, जो छेद होता है, इसको क्या बोलेंगे, नोस्ट्रल बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, नोस्ट्रल। इसके द्वारा क्या होती है, ऑक्सीजन होती है वो अंदर जाती है। क्या होती है, ऑक्सीजन अंदर चली जाती है। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन अंदर जाएगी कहां पे जाएगी, नोस्ट्रल नसल कैविटी के अंदर जाएगी। किसमें जाएगी, नसल कैविटी। है ना, ये क्या होती है, नाक के अंदर क्या होती है, जो अपना नोज होता है उसके अंदर एक कैविटी पाई जाती है, उस कैविटी को अपन क्या बोलेंगे, नसल कैविटी वो बोला जाता है। ठीक इसी प्रकार माउथ होता है, माउथ के अंदर ये जो आप देख पा रहे हो, ये जो कैविटी दिख रहे हैं, माउथ के अंदर जो कैविटी होती है उसको क्या बोला जाता है, बक्कल कैविटी। तो इसको मैं बी से एक बार डिनोट कर देता हूं, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, बक्कल कैविटी बोल देते हैं। अब क्या होती है, ये जो नसल कैविटी है इसके जस्ट आगे का ये जो भाग आप देख पा रहे हैं, जो पेन वाला भाग देख पा रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे, फेरिंग्स बोला जाता है। और फेरिंग्स के क्या होते हैं, तीन टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप्स होता है फेरिंग्स का, उसको बोला जाता है नेसो फेरिंग्स। क्या बोला जाता है, नेसोफेरिंग्स। अब ये जो नेसोफेरिंग्स क्यों बोलते हैं, नेसोफेरिंग्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये क्या होता है, नाक के पास में प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नेसोफेरिंग्स। और जो दूसरा भाग होता है उसको बोलते हैं ओरोफेरिंग्स। समझ गए होंगे इसको, ओरोफेरिंग्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये किसके पास में, माउथ के पास में होता है, इसलिए ओरो फेरिंग्स बोला जाता है। और जो तीसरा पार्ट है उसको बोलते हैं लेनिंगो फेरिंग्स। लेनिंगो फेरिंग्स बोलते हैं इसको, क्या बोला जाता है, लेनिंगो फेरिंग्स है वो बोला जाता है। ठीक है, ये अपन ने किसके बात कर ली है, फेरिंग्स के तीन टाइप्स होते हैं, उन तीन टाइप्स की बात कर ली। अब क्या होता है, ये जो माउथ होता है जहां अपन खाना खाते हैं, तो यहां पे ये एक आपने देखा होगा घंटी के जैसे कुछ लटका हुआ रहता है, अपने गले में क्या रहता है, घंटी की तरह कुछ लटका हुआ रहता है। तो लोग बोलते हैं कि ये क्या होता है, अपना स्वर यंत्र होता है, लेकिन ये अपना स्वर यंत्र नहीं होता है। अब इसका काम क्या होता है वो आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो अपन इसका नाम पता कर लेते हैं कि इसका नाम क्या होता है। तो इसका नाम होता है UVULA। क्या इसका नाम होता है, व्यूला होता है। यू होता है वो उसके अंदर क्या होता है, साइलेंट होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, व्यूला बोलते हैं। अब इसका काम क्या होता है, ये व्यूला क्या होता है, जो नसल कैविटी है ये क्या करता है, नसल कैविटी को बंद करने के लिए होता है। किसके को, ये जो नसल कैविटी आप देख रहे हो ऊपर, इस नसल कैविटी को बंद करने के लिए होता है। जैसे कि अपन खाना खाते हैं, तो वो खाना अपन जैसे ही माउथ के द्वारा खाएंगे, तो वो खाना नाक के अंदर आगे नहीं चला जाए, यानी वापस ऊपर नाक के द्वारा बाहर नहीं आ जाए, इसलिए क्या होता है, खाना खाते समय ये यहाँ पे टच हो जाता है, ताकि ये हिस्सा क्या हो जाता है, बंद हो जाता है और खाना आगे चला जाता है। तो जैसे ही आपने कभी देखा होगा, अपन पानी पीते हैं, पानी पीते पीते अपन को खांसी आ जाती है, तो क्या होता है, पानी नाक के द्वारा बाहर भी आ जाता है। ठीक है, तो अब क्या होता है, यहां से भोजन, भोजन की बात तो अपन बाद में करेंगे, अपन आज रेस्पायरेटरी सिस्टम की बात करेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम की वैसे अपन ने बात कर ली है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो। तो ये क्या है, श्वसन के अंदर ये ऑक्सीजन गई अंदर, वायु यहां से आई। अब आगे का ये जो भाग होता है, क्या ना, जो लेरिंगो फेरिंग्स है इसके जस्ट आगे ये दो, ये जो फेरिंग्स है आगे दो भागों में डिवाइड हो रही है। ठीक है, ये भाग तो कहाँ चला जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट आ जाता है। और डाइजेस्टिव सिस्टम का जैसा कि मैंने अभी बताया, बता चुका है आपको, लिंक ऊपर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से देख सकते हो। अब यहां से क्या होता है, रेस्पायरेटरी सिस्टम का जो भाग वो शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये आप जैसा कि देख पा रहे हो, आप ऐसी कुछ संरचना है, इसको अपन बोलते हैं लेरिंग्स। इसको क्या बोलते हैं, लेरिंग्स बोलते हैं, लेरिंग्स बोल देते हैं, या इसको बोलते थे वॉइस बॉक्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, वॉइस बॉक्स, या ना स्वर पेटी इसको बोला जाता है, ना कि स्वर पेटी इसको। ये तो क्या काम करती है, व्यूला क्या काम करती है, भोजन को वापस नाक के द्वारा नहीं निकलने देती है, और वॉइस जो बॉक्स है वो इसको बोलते हैं, लेरिंग्स को बोलते हैं।
अब वॉइस इसी के द्वारा क्या होती है, जो तरह तरह की जो ध्वनियां उत्पन्न होती है माउथ के द्वारा, वो इसी के द्वारा रेगुलेट की जाती है ना। एक आदमी कितनी आवाज में गाना गा सकता है, आवाज चेंज करके बोल सकता है, तो वो लेरिंग्स के द्वारा क्या होती है, कंट्रोल की जाती है। और ये क्या हो जाती है जो आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं ट्रेकिया। क्या बोलते हैं? ट्रेकिया। ये हो जाती है अपनी ट्रेकिया, बोल देते हैं। और जैसे कि आप ये यहां पे देख पा रहे हो, ये इसके द्वारा यहां पे खुला हुआ सा जो आवरण आपको दिखाई दे रहा है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ग्लोटिस। इसको अपन क्या बोलते हैं? ग्लोटिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ग्लोटिस। और ये जो ग्लोटिस है, अब क्या होता है कि भोजन यहां से तो अपन ने सुरक्षा कर ली, यहां पे तो इसकी यानी इस छेद को बंद करने की क्या है, व्यूला प्रेजेंट होता है, लेकिन इसको यहां पे भोजन खाएंगे तो भोजन कहीं ट्रेकिया के द्वारा यानी श्वसन नली के अंदर नहीं चला जाए, तो इसलिए क्या होता है, यहां पे एक आवरण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? यहां पे एक आवरण पाया जाता है। इस आवरण को क्या बोलते हैं? इपिग्लोटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इपिग्लोटिस बोलते हैं। कहां पे लिखूं इसको? चलो ऊपर लिख देते हैं, यहां पे लिख देता हूं। उसको क्या बोलते हैं? इपिग्लोटिस। इसको क्या बोलते हैं? इपिग्लोटिस। अब क्या होता है कि भोजन करते समय जैसे ही भोजन खानेंगे अपन, तो ये बंद हो जाएगा और भोजन कहां, यहां निकल जाएगा। तो कभी कभी अपन देखते होंगे कि खाना खाते समय कभी कभी बात कर लेते हैं, बात करते रहते हैं, तो खाना अटक जाता है। खाना अटक जाता है तो खाना यहां चला जाता है, फिर अपन पानी मांगते हैं, पानी पीने के बाद वो सही हो जाता है। अब क्या होता है आगे? अब आप ये देख रहे होंगे, इसके आगे ये जो रिंग देख रहे होंगे, ये जो रिंग आप ऐसे देख रहे हैं, रिंग ऐसी नहीं होती है, ये रिंग होती है, ये सी शेप्ड होती है। कैसी होती है? सी शेप। ये रिंग सी शेप की होती है, जो किसके द्वारा? कार्टिलेज जो टिश्यू होता है उसके द्वारा बनी होती है। किसके द्वारा? यानी ट्रेकिया के अंदर जो ये आप रिंग्स देख रहे हो इस प्रकार की, ये रिंग्स ट्रेकिया के किसके द्वारा बनी होती है? सी शेप्ड होती है, जो किसके द्वारा? कार्टिलेज जो टिश्यू होता है उसके द्वारा क्या होती है, बनी हुई होती है। अब इससे जस्ट आगे का देख लेते हैं। अभी अपन ने देखा कि ये अपनी क्या, अभी अपन ने डायग्राम में बताया ये अपनी फेरिंग्स थी, ठीक है, ये अपन ने कार्टिलेज टिश्यू के द्वारा बने हुए सी शेप्ड है ट्रेकिया के, और ये फूड पाइप हो ही गई, यहां डाइजेस्टिव सिस्टम का भाग आके शुरू हो जाता है, ठीक है। अब ये आगे क्या होगी, दो भागों के अंदर डिवाइड हो जाएगी। यहां भी ये रिंग क्या होगी, प्रेजेंट होगी, ये दो भागों के अंदर डिवाइड हो जाएगी। अब ये आ जाता है अपना फुसफुस, और यहां पे क्या होता है, डायफ्राम होता है। ये क्या होता है? डायफ्राम, यानी ये ऊपर का भाग है, यानी यहां से जस्ट ऊपर का भाग थोरेसिक कैविटी बोलते हैं। एब्डोमन जस्ट डायफ्राम के नीचे का भाग होता है, उसको एब्डोमन कैविटी बोलते हैं, और जस्ट ऊपर का भाग है उसको क्या बोलते हैं, अभी मैंने बता दिया, क्या बोलते हैं? थोरेसिक कैविटी बोला जाता है, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं कि ये यहां पे जो, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्राइमरी ब्रेंकाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमरी ब्रेंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई क्या बोलते हैं? इसको प्राइमरी ब्रोंकाई बोला जाता है। अब ये जो प्राइमरी ब्रोंकाई है, ये प्राइमरी ब्रोंकाई आगे भी क्या हो जाएगा, दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी ब्रोंकाई बोला जाता है। शॉर्टकट में बी लिख रहा हूं। इसको क्या बोला जाता है? सेकेंडरी ब्रोंकाई वो बोला जाता है। और ये भी आगे दो भागों में क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। इसको क्या बोला जाता है? ट्रसरी ब्रोंकाई बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? ट्रसरी ब्रोंकाई बोला जाता है, ठीक है। इस प्रकार ये ब्रोंकाई आगे बदलते रहते हैं, इसमें तो होता ही रहेगा, ये भी आगे बदलने लग जाएंगे। अब क्या होगा, यहां तक तो आप रिंग देख पा रहे हो, लेकिन जो रिंग होती है वो लास्ट ट्रसरी जो ब्रोंकाई होती है उस तक ही लास्ट प्रेजेंट होती है। फिर क्या होता है, ये ब्रोंकाई क्या होती है, आगे छोटी हो जाती है। आप देख रहे हैं पहले बड़ी थी, फिर छोटी हो गई, फिर और छोटी हो गई। अब क्या होता है, इनमें रिंग होती है, ये रिंग क्या होती है,
नहीं पाई जाती है। तो यहां से क्या हो जाते हैं, इनिशियल ब्रेंकियोल्स शुरू हो जाते हैं। तो इनको क्या बोलेंगे, जिनके ये जो रिंग होती है जिनमें प्रेजेंट नहीं होती है, इनको बोलते हैं इनिशियल ब्रेंकियोल्स, इनिशियल ब्रेंकियोल्स। इसको बोलते हैं इनिशियल ब्रेंकियोल्स बोला जाता है। अब इनिशियल ब्रेंकियोल्स भी ऐसे बहुत सारी जो संरचनाएं बनती रहेगी बनती रहेगी, ठीक है, धीरे धीरे जैसे जैसे बनती रहेगी, फिर जो लास्ट में होगा उसको क्या बोलेंगे, बहुत सारी बनेगी इसमें अपन बता नहीं सकते कितनी बनेगी, इसको बोलेंगे टर्मिनल, यानी इनिशियल मतलब आरंभिक ब्रोंकियोल्स और टर्मिनल ब्रोंकियोल्स मतलब अंतिम ब्रोंकियोल्स बनेगी। तो अंतिम ब्रोंकियोल्स बनेगी। यहाँ पे किसका निर्माण हो गया, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स का निर्माण हो जाता है। अब ये जो टर्मिनल जो ब्रोंकियोल्स है इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होती है, इसलिए इसके ऊपर गुब्बारे नुमा स्ट्रक्चर होती है, ये प्रेजेंट होती है ऐसे। बहुत सारी प्रेजेंट होती है, मैं एक दो ही बना रहा हूं। तो इसको इनको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एविलाई। क्या बोलते हैं, एविलाई, एल विलाइन को बोला जाता है। और ये क्या करती है, जो ब्लड होती है, अब इनके द्वारा ऑक्सीजन यहां से आएगी, ये अपन देख रहे हैं ये नाक के द्वारा ऑक्सीजन आई और यहां से होती होती ट्रेकिया से होती हुई ये ऑक्सीजन यहां आ जाएगी, यहां से किस में आएगी, प्राइमरी ब्रेंकियाई में आएगी, प्राइमरी ब्रेंकियाई से सेकेंडरी ब्रेंकियाई, फिर टर्शरी ब्रेंकियाई, फिर इनिशियल ब्रेंकियोल्स, फिर टर्मिनल ब्रेंकियोल से होती हुई किस में आ जाएगी, एल्विलाई के अंदर आ जाएगी। एल्विलाई के अंदर आ जाएगी, तो एल्विलाई के क्या होते हैं, चार और, एक छोटा सा ही डायग्राम है ये, जो एल्विलाई जो मैंने आपको बताया, इस एल्विलाई के चार और क्या होती है, जो ब्लड सेल्स होती है कार्पल्स होती है वो प्रेजेंट होती है, और इनके द्वारा क्या होता है, ऑक्सीजन इनके अंदर है ना ब्लड के अंदर चली जाती है। तो ऑक्सीजन कहां चली जाएगी, इनके द्वारा ब्लड के अंदर चली जाएगी। और जो CO2 प्रेजेंट होगी ब्लड के अंदर, वो CO2 किसके अंदर आ जाएगी, वापिस फुसफुस के अंदर आ जाएगी, और इससे होती हुई नाक के द्वारा कहाँ चली जाएगी, बाहर चली जाएगी। तो ये था अपना ह्यूमन रेस्पायरेटरी सिस्टम। आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।